संग्राम दास्तान है एक ऐसी लड़ाई की जिसमें न भाले चले, न तीर, न तलवार, न बंदूक, न तोपें। हाँ, मगर दुदंबी जरूर बची और इस दुदंबी का कुरुक्षेत्र बना अलवर जिले का एक छोटा सा गांव। इस महासंग्राम के सरगना और सिपाही बने गणतंत्र के भोले भाले, कमजोर, गरीब मगर हिम्मती और बुलंद इरादों वाले गांववासी और उनके कुछ साथी। स्वीडन से आई पत्रकार एलेना राजस्थान में कार्यरत तरुण भारत संघ के नेता राघवेंद्र की जीवन कथा सुनती है। अपने बचपन के दोस्त गोपाल की कैंसर से मृत्यु के बाद राघवेंद्र साक्षरता अभियान के उसके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी और अपनी पत्नी का मोह त्याग कर गोपाल के साथियों के साथ अलवर जिले के एक गांव में पहुंचता है। उन्हें गांव वालों के कड़े विरोध और पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ता है। दिग्विजय की बीमारी उनके लिए मंदिर के पुजारी और बूढ़े वैद्य की सहानुभूति जीतने का बहाना बनती है। बरसों से बंद पड़ा वैद्य का दवाखाना वो लोग खोलते हैं और अब आगे ये डाल नहीं, इसे मत डालो। बाबा आपको खांसी है, बाबा रुकिए, बाबा आपको खांसी है। क्या हुआ काका? सफेद वाली शीशी में से दवाई दो। बाबा रुको, बाबा डरो मत, गांव में दवा खाना खुला आपको मालूम नहीं है क्या? फिर आते क्यों नहीं है? कोई रोकता है आपको? अब कैसे महसूस कर रहे हैं? गांव में लोगों को बताओ कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है तो दवा खाना में आए। पानी मत पियो बच्चे, बीमार हो जाओगे। गंदा पानी नहीं पीते बेटा। अम्मा जी, अम्मा जी, मुझे क्या पता था कि वहां सिर्फ औरतें होती। मर्दों को तो तुम पहले ही देख चुके हो, उसका भी तो ताश खेलते। कुएं में पानी भरने औरतें जाती हैं। अब चलो। रुको यार रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है, इनके जाने के बाद पानी ले लेंगे। Thank you.
ए सरबती, सरबती, अरे थम जा छोरी, सरबती। अब तो गांव वाले गांव से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे प्रमोद भाई, सामान बांधो चल के। यार कुछ कर वरना मारे जाएंगे हम तो। मैं क्या करूं? प्लीज यार देख, मैंने ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं किया यार। देख मैं पहले ही पानी भरते हुए मार खा चुका हूँ। गांव वालों को हमसे हमदर्दी नहीं है, चोर चक्के और डाकू समझते हैं, और आप बदमाश और लोगों की इज्जत पर हाथ डालने वाले कहेंगे। ठीक है यार, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? शट अप यार, चलो। छोरा कैमरा कहीं करो, चलो भागो भागो, चलो शाबाश शाबाश। राम राम। हाँ मंदरवीन, राम 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 राम। माय ना हो, आपसे आगे बहुत जरूरी बात करनी चाहिए। अच्छा हो जी। और बताओ। बस ठीक है, तुम बताओ कहाँ जा रहे थारो? हार तो चौका सोनी सरपंच जी। क्यों कहाँ हो? गांव में चार पांच मुसंडा आ रहा है, मारे तो नींद हराम कर रखी है। कुण? कुण आ रहे है? मन्ने के बेरा कुण से मर्दाने डर लाग गया, छोरिया घर का बाहर ना निकल सके, पानी भरन को ना जावे, पुलिस ने भी छोड़ दिया भी ना, तो अब पूरा गांव में गदड़ गदड़ करता डोले। हाँ मंदिर में डेरा जमाना था, बूढ़ा बैठ के दवाखाना का कब्जा कर लियो है, मन तो लागे सरपंच जी पढ़ ले आने वाली है। हाय मारे गांव के तो बुरे दिन आ गए सरपंच जी, मारे गांव में तो कोई ऐसा आदमी भी नहीं जो इनसे निपट सके, अभी तुम ही बताओ के करे। तने ठीक करे बहन, मैंने बता दिया, अब मैं देखूं। अभी अभी ठहरो, देख विजय कल तुमने ये जड़ी बूटियां सूखने को नहीं डाली ना, हाथ सूखने को डाल देना। लाओ कागज लाओ, डाल दो लाओ। मैं साहब कोई नया व्यक्ति आ रहा है, पहले कभी तो इस गांव में दिखे नहीं। अरे भाई प्रमोद अपनी डिस्पेंसरी चलने लगी है ना, इसलिए लोग आने लगे हैं। क्या हुआ सत्येंद्र, जानते हो क्या इन लोगों को? नहीं जानते तो नहीं, लेकिन आप हमारे सरपंच सुमेर सिंह जी। जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई है, हम लोग कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए अंदर आइए, देख विजय बैठने का इंतजार कर। आइए सरपंच आइए। अच्छा जी आप बताओ कि थे लोग कठा से पधारे? जी हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं, वैसे फिलहाल हम लोग जयपुर से चले आ रहे हैं, यहाँ आते ही हमने यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को अपने आने की सूचना दे दी थी। हम पांचों लोग अपने घरों से गांव के लोगों की सेवा करने के लिए निकले हैं, इस गांव में आए तो हमारी मुलाकात वैद्य जी से हो गई और उनके आशीर्वाद से हमने ये दवाखाना खोला है। सरपंच जी हम लोग ये चाहते हैं कि इस गांव में हम एक स्कूल भी खोलें जिसमें बड़े और बच्चों को पढ़ाया जा सके, इस काम में आप हमारी मदद करें तो बहुत अच्छा होगा, यही हमारी आपसे विनती है। ना बात तो ठीक है, पर आप बगैर सूचना दिए बगैर कोई बताए सीधा आ धमके आठे हैं, मैं आपको दुश्मन नहीं हूं।
बाकी तो सरकारी आदमी है तो सरकार तक मारी एक बात पहुँचाओ। नहीं नहीं सरपंच जी, हम लोग सरकार के आदमी नहीं है। सरकारी आदमी नहीं है? यदि सरकारी आदमी नहीं तो फिर मैं थारी मदद कहीं करा, क्यों करा? सरपंच जी हमें पैसे वैसे की मदद भी नहीं चाहिए। पीसा गांव वालों पे कठाते आया भाई जी। सरपंच जी हमें सिर्फ गांव वालों का थोड़ा सा प्यार और सहयोग चाहिए। अगर उनका सहयोग और प्यार हमें मिल जाए तो हम लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो सकते हैं। सरपंच जी जब वैद्य जी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने आपके बारे में हमें बहुत बताया कि आप बहुत नेक इंसान हैं और सब लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनको निपटाते हैं। यही सोचकर मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए और इस बारे में आपसे बात भी करनी चाहिए। ठीक है ठीक है। देखो जी, कोई गांव वालों के लिए काम करना चाहे, उनकी मदद करना चाहे तो यह तो अच्छा ही है। बाकी तुम माने बताओ कि मैं थारी काई मदद कर सका। सरपंच जी इस समय हम लोग मंदिर के अहाते में रह रहे हैं, यदि हम लोगों को थोड़ी सी बैठने और सोने की जगह मिल जाए तो। बैठने सोने की जगह? क्यों सुना जी? हाँ बैठने सोने की जगह, इनको हम कठे दे सका? कहीं ना कहीं जगह दे तो सको, लोगों ने पूछना पड़ेगा के पतो लोग इना के खातर रहने को जगह दे कि नहीं। सरपंच जी आप लोग चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अगर हम लोगों को थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम लोग गांव के बच्चों और बड़ों के लिए स्कूल भी खोल दें। बुढ़े आने पढ़ाओगे? तेरा माथो घूमने हो क्या? ना ना ना, मैं समझूं धन्ना जी, अब बात तो ठीक कह रही हो। हाँ सरपंच जी, अगर आपकी मदद से ये काम पूरा हो जाए तो आप सब गांवों की अगुवाई कर सकेंगे और ये गांव एक आदर्श गांव बन जाएगा। और फिर कौन जाने कि आपसे प्रेरणा लेकर आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आए और वो भी यही चाहे कि हम लोगों के गांव में भी यही सब चीजें होनी चाहिए जो इस गांव में है। ठीक है ठीक है। बात ये कि कहीं ना उठा रहो जी राघवेंद्र। तो राघवेंद्र जी आप बात को फैसलो, मैं अकेले को नहीं ले सका जी। मैं गांव वालों से पूछूंगा, गांव वाले की मीटिंग बुला चू जी, में जो कुछ भी फैसला होगा वह मैं थारे बता दूंगा जी। बहुत अच्छा है। टांग तोड़ दूंगा तो लोगों को घरों में घुसा दो। अरे सारा काम इकट्ठा हो गया था, कोई यूं ना सोचेगा कि सारे काम में गुंडागर्दी का तफरे है। यू आते ही हमारी घरवाली के पीछे लग गयो। क्या भाड़ा लगा कर लक्षण नाता भाई, मैं समझा कि नहीं? अरे सारे घरों में सारी माँ बहन के पीछे के लागे तो क्या करोगे? पूछा करोगे उकी? भी इन दोनों ने यही करा। अरे आज हमारी बात कड़वी लग रही से, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि और कुछ करना आए हमारी औरतों के पीछे लाकर आए हैं यू। आज मेरी बात पूरी लाग रही धंधा, लेकिन कल को रोगोगे। और पंडित क्यों बैठा लाशा यू भार पटक? फालतू बात बोलने की जरूरत ना है। अरे भगवान का मंदिर तो सबको हो, और भगवान के मंदिर में से किसी को निकालो वाला मैं कौन छू? वो अकेले की जायजा थोड़ा है, समझा? भाई लोग यह बात भी जरा सोच लो, जब से ये लोग गांव में आए हैं कोई ना कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं, दवा खाना चालू हो गया से, ये लोग सब मानस की मदद कर रहे हैं। देखो भाई एक बात मैं जानू छू, मैं इस गांव में 60-70 बरस से देख रहे हूँ कि जब भी कोई मानस कोई अच्छो काम करना चाहे पूरा गांव उसका दुश्मन बन के बैठ जावे। अरे थारी किस्मत ही खराब छे, तुम किसी का पुण्य ले ही ना सको, लोगों का भला सोच ही ना सको। तुम लोग मन भरी को छोरो क्यों भाग्यो गांव छोड़ के? 8 बरस हो गए कन्हैया को बाप अर्जुन वापस ना आयो, उसकी फसल खराब होगी, थम पे उसकी खातिर अनाज ना बनियो, थम किसी की मदद ना करना चाहोगे? अरे भाई एक दूसरे की मदद ना करोगे तो सारा का सारा गांव ही पड़ा रहेगा, ना पीसा होगा, ना पढ़ाई लिखाई होगी, ना खुशी होगी और ना तरक्की होगी। भाई उठो फासर दे लागो। अरे थारी औरत हो तो पता लागे, हमारी औरत औरत नाश है, उसकी इज्जत इज्जत नाश है।
तरक्की की बातें कर रहा है, उन मुस्टंडों को दवाखाना दिला के। कान खोल के सुन लो, उन लोगों को कोई भी जगह ना देखो। इधर मारी बात सुन। कौन बात ना सुननी? ना उनको स्कूल की जगह दी जाएगी और ना उनको रहना दिया जाएगा। मैं देखता हूँ कैसे रहते हैं मकाम मां। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, गांव का ज्यादातर लोग नहीं माना और गांव की जमीन सबकी साझा जागीर हो छे। बिना की मर्जी के बगैर मैं कुछ भी कोनी कर सकूंगा। क्या करेंगे? मैं चुपचाप देख रहा था तुम लोगों का तमाशा, इसलिए चुप था कि मुझे लग रहा था कि गलती मेरी है। अरे लोगों से बेइज्जती करवाने से मास्टरमाइंड नहीं बनती है, मास्टरमाइंड बनती है एक से एक, फिर एक और एक को अपने साथ जोड़ने से। और ये काम कभी भी किसी भी दूसरे गांव में किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल सुबह यहां से वापस चला जाऊंगा हमेशा के लिए। केदार, नहीं भैया, मैं वहां जाऊंगा और अपने तरीके से काम करूंगा। लेकिन केदार हम लोग नहीं भैया। अरे भैया हमारा सामान कहाँ गया? ओह माय गॉड, सामान भी चोरी हो गया। जब इस गांव के लोग इतने खराब थे, आप इस मिशन के लिए इधर क्यों आए? दूसरे गांव में क्यों नहीं चले गए? नहीं नहीं एलेना, गांव के सब लोग इतने बुरे नहीं थे। पंडित जी, वैद्य जी, सरपंच जी, यहाँ तक कि मनभरी, रूपा और धन्ना, ये लोग भी बुरे नहीं थे। हम लोगों को उनका विश्वास जीतने में वक्त लग रहा था। वो शायद हमारी कोशिश की कमजोरी थी या फिर सदियों से उन लोगों के मनों में बंधी हुई गांठों की, जो केवल प्यार और भावना से ही खोली जा सकती थी। फिर हमारा सामान चोरी होने की सूचना मिलते ही सरपंच जी शायद आए थे। सरपंच जी मिलने आए थे। राम राम, राम राम भैया। भाई मैंने सुना कि थारा सामान चोरी हो गया। जी ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमने सोचा कि बस आपको बता दें। ना ना तो बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। अरे गांव में तो सबका घर खुला पड़ा रहे है, आज सामान चोरी हो गया है। किसी का तीन का भी हल्के उड़े ना जाता। आपना के सामान रखा था भाई? जी हम लोगों के कपड़े, एक दो बिस्तर और कई किताबें थी। जी वो सब सामान जो हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, पोस्टर और तस्वीरें, एक डायरी, वो डायरी जिसमें मैंने गोपाल भाई साहब की बातों के नोट्स बनाए थे। जी मेरा काफी कीमती सामान था, पैसे वगैरह सब थे उसमें। सर बैग में मेरा एक वॉकमैन भी था। नहीं नहीं सरपंच जी, चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें। क्या खास नहीं था? मेरा सारा कीमती सामान था और मुझे घर वापस जाना है और बिना उस सामान के मैं नहीं जा सकता हूँ। सरपंच जी माने तो लाग गए, काई ने छीतर ने उठाया। ए भाई आप लोगों ने अपना सामान की देखभाल तो करनी थी। वाह क्या लॉजिक है, मंदिर में खुले में सामान की देखभाल करनी चाहिए थी। देखो भाई थारा सामान चोरी होया, मैं पता करवा की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ये बात तो नहीं कह सकूं कि मैं मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बाकी एक बात सुन लो, अगर गांव वाले ने थारे खिलाफ एकता कर लिया है तो मैं थारी कोई मदद को नहीं कर सकूं। आज सामान चोरी होया, कल मारपीट हो सके, परसों खून खराब हो सके, कौन जिम्मेदार होगी है? हमने सेवा करनी है ना लोगों की सेवा, तो कोई और धाम ढूंढ लो। क्यों सुना जी, ठीक कहो ना? ढूंढ लिया, अब ले लो मजा। आप नाराज मत होइए, हम लोगों का जो सामान था चला गया सो चला गया, इसमें आपका भला क्या दोष है? ना ना अब तुम चले जाओ, आई बेहतर। सरपंच जी आप कैसी बातें कर रहे हैं,
इस गांव को छोड़कर भला हम कहां जा सकते हैं? अरे कमाल की बात करो तुम, है? अगर गांव वाले ना रखना चाहते तब जबरदस्ती क्यों रहना चाहो? सरपंच जी, हमें गांव वालों से कोई नाराजगी नहीं है। जैसे जैसे उन लोगों का गुस्सा शांत होगा सब ठीक हो जाएगा। देखो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन कल में कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? इसमें अच्छा यही है कि तुम कोई दूसरा काम देख लो। सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। धन्ना भाई, आप क्यों नहीं समझाते हैं? देखो, मैं कोई जिम्मेदारी को नहीं ले सकूं, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए चलो। अरे कहीं हो, क्यों? मैंने लगे तार तोड़ा है। साहब क्यों? धन्ना चल भाई, सरपंच जी की बेटी। कहेंगे तो लोग आपके पास जरूर मानेंगे। लाइए, आप हम आपकी मदद करते हैं। लीजिए लीजिए, आप गांव वालों को समझाएंगे तो वो सब आपकी बात मानेंगे। काका, आपकी बात कोई नहीं डालेगा। जी बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, आप ही बताइए गलत कह रहे हैं क्या? अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर छिपड़े आ जाऊंगा। हमसे बताना चाहो ना? बताऊंगा, पर उल्टी सीधी बात का खातर नहीं।
ले आ, ठीक है चल भाई चल। ये चल 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 हाँ चल चल के बाद कोई बात नहीं सत्येंद्र, कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। गोपाल आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस गांव की भोली भाली दुनिया वो सब सिखा रही है जो तुम हमें सिद्धांत में बताया करते थे, और कभी कभी लेनिन और मार्क्स की ऐसी तैसी कर दिया करते थे। जैसा तुमने हमसे कहा था बिल्कुल वैसे ही लोगों से हमने जुड़ना शुरू किया। पहले हम अकेले थे, 5 अकेले, अब हम 9 हैं, 5 हम और हमारे साथ इस गांव के पंडित जी, वैद जी, सरपंच सुमेर सिंह और धन्ना। और जानते हो गोपाल, तुम्हारे ज्ञान गंगा मिशन की ओर हमारा पहला कदम।